घातांक के नियमों से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। सरल कीजिए, 5/6 के ऊपर घात ऋण 12 गुणा 4/15 के ऊपर घात ऋण 12 के ऊपर घात 3। इसे सरल करने के लिए हमें घातांक के नियमों यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की समझ आवश्यक है। वीडियो रोककर इनका पुनः अवलोकन करें। यहाँ हम देखते हैं कि कोष्ठक में दो घातांकों का गुणन किया जा रहा है जिनके आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है। इसे सरल करने के लिए बताइए हमें कौन से नियम का प्रयोग करना चाहिए। सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम a के ऊपर घात m गुणा b के ऊपर घात m बराबर a गुणा b के ऊपर घात m इस नियम का उपयोग करेंगे। इस तरह से हम 5/6 के ऊपर घात ऋण 12 गुणा 4/15 के ऊपर घात ऋण 12 बराबर 5/6 गुणा 4/15 के ऊपर घात ऋण 12 लिख सकते हैं। अब अगर हम कोष्ठक में दिए गुणन को सरल करते हैं तो यहाँ हम 5 से 15 को विभाजित कर लेंगे जिससे 15 के स्थान पर हमें 3 यह संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम 4 और 6 को उनके मस यानी HCF 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 4 के स्थान पर 2 और 6 के स्थान पर 3 प्राप्त होंगे। फिर हम गुणन का परिणाम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम अंशों का गुणन करेंगे जो आएगा 2 और इसी तरह हम हरों का गुणन करेंगे जो आएगा 9। इस तरह से गुणन का परिणाम आएगा 2/9। इस तरह से दिया सवाल बन जाएगा 2/9 के ऊपर घात ऋण 12 के ऊपर घात 3। क्या आप बता सकते हैं इसे हल करने के लिए हमें कौन से नियम का उपयोग करना होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m गुणा n इस नियम का प्रयोग करेंगे। इसके प्रयोग से इस संख्या को हम 2/9 के ऊपर घात 3 गुणा ऋण 12 लिख सकते हैं। चूंकि 3 गुणा ऋण 12 बराबर ऋण 36 है इसलिए दिए सवाल का परिणाम आएगा 2/9 के ऊपर घात ऋण 36। इसी प्रकार नियमों के सही प्रयोग से आप कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। अगला उदाहरण, x का मान ज्ञात कीजिए ताकि ऋण 27 के ऊपर घात ऋण 7 विभाजित 9 के ऊपर घात x ऋण 6 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3 हो। आपको यह जरूर पता होगा कि समीकरण यानी इक्वेशन में दोनों पक्षों का मान बराबर होता है। यहाँ किसी तरह अगर हम दोनों पक्षों के आधार समान कर ले तो हम दोनों ओर समान आधार वाले घातों की तुलना कर पाएंगे। इसी के साथ हम x का मान भी पता कर सकते हैं। चलिए इस तरीके से हल करें। जैसा कि आपको पता होगा हम ऋण 27 को ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3 लिख सकते हैं जिसे हम घातांकीय रूप में ऋण 3 के ऊपर घात 3 लिखेंगे। इसी प्रकार पहली संख्या के समान आधार प्राप्त करने के लिए हम 9 को ऋण 3 गुणा ऋण 3 लिख सकते हैं यानी कि ऋण 3 के ऊपर घात 2। ऋण 3 के ऊपर घात 3 के ऊपर घात ऋण 7 विभाजित ऋण 3 के ऊपर घात 2 के ऊपर घात x ऋण 6 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। यहाँ हम a के ऊपर घात m के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m गुणा n इस नियम का प्रयोग करेंगे। इससे हमें प्राप्त होगा ऋण 3 के ऊपर घात 3 गुणा ऋण 7 विभाजित ऋण 3 के ऊपर घात 2 गुणा x ऋण 6 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। ऋण 3 के ऊपर घात ऋण 21 विभाजित ऋण 3 के ऊपर घात 2x ऋण 12 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। अब यहाँ हम देखते हैं कि सभी घातांकों के आधार समान हैं। बाएं पक्ष को देखकर हम a के ऊपर घात m विभाजित a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m ऋण n इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा ऋण 3 के ऊपर घात ऋण 21 ऋण 2x ऋण 12 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। ऋण 3 के ऊपर घात ऋण 21 ऋण
2x धन 12 बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। ऋण 3 के ऊपर घात ऋण 9 ऋण 2x बराबर ऋण 3 के ऊपर घात 3। चूंकि दोनों पक्षों का मान बराबर है और दोनों पक्षों में आधार भी समान है, अतः उनकी घातें भी समान होंगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 9 ऋण 2x बराबर 3, यानी कि ऋण 2x बराबर 3 धन 9 बराबर 12, यानी कि x बराबर 12 विभाजित ऋण 2 बराबर ऋण 6, इसलिए यहाँ x का मान है ऋण 6। तो आज हमने देखे घातांक के नियमों से जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ साधारण गलतियाँ।